हाय, दिस इज़ राम प्रवेश और आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। अभी कैसा है कि हमारी गाड़ी की काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखा होगा, उसमें आपने ये देखा होगा कि डैश कैम मैंने लगाया है और अमेज़ॉन पे भी आजकल मिल नहीं रही है, तो काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज थे। तो मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया मल्टीपल टाइम की यू नो बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट कहीं से भी अरेंज करवा के दो। मैंने भी काफ़ी कोशिश किया उसको मंगवाने का। तो आज एक गुड न्यूज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कार है, एक हमारी कार है XUV700 और एक दूसरी नेक्सॉन। तो आज अपन नेक्सॉन को स्मार्ट बनाने वाले हैं, सो प्लीज़ कम। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी मैंने दो यूनिट मंगवाया था, एक अपने लिए और एक हमारे फ्रेंड हैं गौरव जी। तो गौरव जी को ऑलरेडी मैंने अपना XUV के लिए मैंने प्रीवियसली मंगाया था, मैंने अभी पुरानी गाड़ी का खोल करके XUV में लगा दिया और वो उनको चाहिए था दे दिया। तो मुझे अपने लिए मंगवाना था, तो उनके एक रिलेटिव को भी चाहिए था, फ्रेंड को, तो उन्होंने अप्रोच किया, देन आई एम जस्ट शोइंग। तो आइए मैं सबसे पहले नेक्सॉन में इंस्टॉल करता हूँ। ये एडास 4G डैश कैम है, सेम जो मैं अपने इसमें मॉडल में यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो भी आइटम आते हैं अपन उसको इंस्टॉल करेंगे। ये प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है नहीं, तो इसको इंस्टॉल कौन करेगा? तो वो मैंने किया है इसलिए आउट ऑफ एक हेल्प, मेरी ऐसी आदत है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो अनबॉक्सिंग टाइप में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बट ये आप देख सकते हैं, ये डैश कैम है एंड इसके साथ साथ एक बार इसको जरा से पकड़ लेना, थैंक यू। इसके बाद देखेंगे इसमें ये आता है बैक कैमरा है, नाइट विजन कैमरा रहता है बेसिकली। ये इसका वीडियो मैंने अपने काफ़ी सारे में है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, राइट। और ये हार्डवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर लगाने से आपका स्लीप मोड में चलता रहता है, 24 आवर मॉनिटरिंग होती है। इसके अंदर पूरा का पूरा एंड्रॉयड है, तो वो सारे डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है, बार बार क्यों मैं रिपीट करूँ। और ये GPS है, GPS इसमें जो दिया है ये थोड़ा सा पतला है, तो दिस लुक्स वेरी गुड एक्चुअली। और इसके बाद एक मैनुअल है। अब ये रहा डैश कैम का, तो डैश कैम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो मैंने ये अपने में लगाया है, वही आज मैं लगाने वाला हूँ। और इसका अगर बैक साइड देखेंगे तो दिस इज़ सेम। इसके अंदर यहाँ पे माइक रहते हैं, तो आप हैंड्स फ्री बात भी कर सकते हैं इससे। स्काइपी वगैरह भी इंस्टॉल हो जाता है, कि मान लिया ऑफिस का बिजनेस एप्लीकेशन वगैरह भी चलाना है। आउटलुक भी मैंने ट्राई किया था टू बी फ्रेंक, तो वो भी चलता है, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और इसके अंदर सिम कार्ड लगते हैं, मेमोरी कार्ड लगते हैं 128 GB तक का, और एक GPS का पोर्ट का रहता है, और एक ये पावर कनेक्शन के लिए रहता है। तो आइए अपन इसको कनेक्ट करते हैं, देन देखते हैं, लेट्स। तो सबसे पहला माइलस्टोन ये होता है कि अभी मैं टाटा नेक्सॉन XZ+ मॉडल टॉप एंड मॉडल में हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपन डैश कैम इंस्टॉल करेंगे जो अपना स्मार्ट डैश कैम है, राइट। तो सबसे पहला चैलेंज क्या होता है, फ्यूज बॉक्स किधर है? तो चूंकि मेरा टाटा का एक्सपीरियंस है प्रीवियस, तो फ्यूज बॉक्स इसमें राइट साइड में ही रहता है, तो इसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, इसको खींचेंगे अपन, स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। ड्राइवर साइड में अपन इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और ये निकल जाएगा। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये है फ्यूज बॉक्स, यहाँ पर हम कनेक्शन करने वाले हैं। अभी सबसे पहले वायरिंग को पास कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसका जो अगर फ्यूज का कनेक्शन देखेंगे, फ्यूज का डायग्राम, तो फ्यूज डायग्राम इसके अंदर लिखा रहता है। इसके अंदर हमें इग्निशन और एसेसरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे, और एक ग्राउंड में, तो वो अपन कर लेंगे। अभी पहले वायर पास करते हैं, प्लीज़। तो अब इसके बाद सबसे पहले हम इसका वायरिंग जो है, वायरिंग ये निकालेंगे, जो भी वायर हार्नेस है। और GPS का है, तो GPS तो ऊपर भी पास कर लेंगे, तो उसका कोई झंझट नहीं है। हार्डवायर का एक है, और ये हार्डवायर राइट साइड में है। हार्डवायर यहाँ से निकल करके नीचे से अंदर यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन तक जाएगा। एंड दूसरा ये हमारा बैक कैमरा का है, तो इसके लिए भी ज़्यादा झंझट नहीं है। उसके बाद अपन कनेक्शन करते हैं, पहले मैं वायर पास करता हूँ। सो ये इसमें अडाप्टर होता है, 12 वोल्ट टू ये जितना वोल्ट का कन्वर्टर रहता है, 5 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, उसके हिसाब से ये चलता है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसमें 3 वायर्स रहते हैं,
तो ये तीन कलर के, ब्लैक जो रहता है ये न्यूट्रल रहता है, और एक रेड है और एक ये है येलो है। तो जो येलो वाला है ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, और लाल वाले जो है ये एसेसरी के हो गए। तो इसी के कारण से जब आप डिटेक्ट कर पाता है ये सिस्टम कि आपका गाड़ी लॉक है, स्लिप मोड में ऑटोमेटिक चला जाता है जब आप आपका इग्निशन ऑफ करते हैं तो बेसिकली। ओके, तो इसका वायर पास करते हैं। इसके पहले जब वायरिंग पास करने के लिए हमने फ्यूज बॉक्स निकाल दिया है, अब इसके बाद हमें इसका जो पिलर है, ए पिलर तो यहाँ से हमें वायर पास करने पड़ेंगे। वायर थोड़ा इस तरह से पास होना चाहिए ताकि अगली दिखे भी नहीं, राइट। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे हाथ लगाएंगे और हाथ लगा करके थोड़ा सा अंदर की ओर पुश करेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करने का, एंड ये पूरा पीस जो है केयरफुली बाहर आ जाएगा, राइट। अब ये खुल चुका है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, ज़्यादा अभी चली भी नहीं है, तो मैं भी केयर रखने वाला हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर का। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अपन वायर पास करेंगे इसका। तो ये हार्ड वायर है, ये हार्ड वायर मैं ऐसे अभी उठाऊँगा, और इसका जो अडाप्टर है, अडाप्टर हमारे फ्यूज बॉक्स में जाएगा। तो ऊपर से जाएंगे तो ये अटक जाएगा, एक्चुअली ये उल्टा नीचे से पास करना पड़ेगा। ओके, तो इसको अपन पास करते हैं यहाँ से हाथ डाल करके थोड़ा सा। बस अभी जैसे यहाँ पे हमें वायर पास करना था, तो वायर पास कैसे करेंगे, ये एक झंझट हो जाता है। तो ये जो आपका टायर रहता है ना, जिसे बांधते हैं अपन, ये हाँ, तो बेंडिंग वायर को अपन जोड़ लेंगे, जोड़ करके इसी में नीचे से तार फंसा देंगे, ऊपर से खींच लेंगे, तो इस तरह से बाहर निकल जाएगा। ओके, अब बाकी का फिटिंग करते हैं। अभी ये वायर आ गया जो हम डैश कैम के पास लेके जाएंगे सेंट्रल लोकेशन पर, तो इसके लिए कुछ नहीं है, अंदर अंदर से ये पूरा वायर यहाँ तक चला जाएगा, जितना चाहिए उतना ही, बाकी सभी को ये करेंगे अपन केयरफुली इसको डालेंगे। बाकी का एक्स्ट्रा जो वायर है इसको इसको नीचे से खींच लेंगे, अननेसेसरी वायर क्लटर नहीं रखना चाहिए, जितना नीड उतना ही। इसको अंदर से अपन पास करेंगे, अभी लॉक होगा तो सब बराबर हो जाएगा, टायर से इसको बांध भी देंगे। अब इसके बाद GPS, और ये GPS का भी इसके साथ साथ ही वायर हमें लेना होगा। Don't throw away this binding wires. बहुत ही यूजफुल है, अगर हम कोई भी चीज़ों को वीडियोज़ में कई जगह देखते हैं कि फेंक देते हैं, वो फेंके हुए चीज़ का भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फेंकना नहीं चाहिए। Everything serves a purpose. अब GPS का भी वायर मैं साथ साथ ले आता हूँ, तो ये दो वायर हो गए यहाँ पे। ओके, ये कैमरा है, सभी मैं स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए कैमरा में लेंस में लगा रहता है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं होती है बेसिकली। तो ये एक काफ़ी 4 मीटर की लंबी वायर होती है, तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वायर छोटी पड़ जाएगी, लंबी कार के लिए बनाया होता है। तो ये सभी वायर को अपन टाई करने वाले हैं। उसका ये जो फिटिंग है इसको हल्का सा नीचे करेंगे, और ज़्यादा भी नहीं, हालांकि ये चिपकाने का रहता है, ये जब पुश करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चिपकने का उसमें रहता है सिस्टम, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ओके, तो वायर यहाँ पर आ गया, और हमारे हाथ में अभी रिवर्स कैमरा है, GPS को मैं अभी के लिए आगे रखता हूँ। अब इसके बाद अगला क्या करेंगे कि अगला इसके अंदर सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड सब कुछ लगाएंगे। हाँ, तो अभी हम लोग डैश कैम में सिम भी लगाएंगे, सिम इसमें नैनो सिम नहीं लगेगा, इसमें माइक्रो सिम लगेगा बेसिकली। तो ये हो गया, अटैच हो गया माइक्रो सिम और मेमोरी कार्ड, ये दोनों चीज़ें पहले लगाएंगे। तो सिम का ये है, इसके बाद इसको किसी चीज़ से पूछ करेंगे, ये हो गया सिम कार्ड लग गया। अब मेमोरी कार्ड 128 GB का मेमोरी कार्ड है, 128 GB का, इसके अंदर ये उल्टा लगेगा,
ये भी लग गया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है टायर, ये बांधने के लिए है आपके ORVM में, और ये इसके अंदर स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए है, इसको हटाएंगे लगने के बाद, वो खुद से भी हटा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वायरिंग कनेक्ट कर लीजिए सारे। ये हुआ रियर व्यू कैमरा पीछे का, उसके बाद ये हुआ ये वाला आपका GPS, ये हुआ पावर का, और ये हुआ GPS का। अभी नीचे से हमने पावर कनेक्ट किया नहीं है, अभी सिर्फ असेंबली कर रहा हूँ, पावर उसके बाद कनेक्ट करूँगा। वायर को एक तरफ कर दिए, उसको टाई कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ ये इस तरह से लगा देंगे, लगाने के बाद यहाँ पे, तो अभी आप जैसा देख सकते हैं मैं नेक्सॉन पे हूँ, और ऊपर सारी वायरिंग हमने कर रखी है, और वायर को प्रॉपर लेके आए हुए हैं, और ये इधर वायर लटकी हुई है, एक GPS का है, एक पावर का है, और एक रिवर्स कैमरा यहाँ पे आपको पड़ा हुआ। सभी की वायर हमने लगा दी है, सिम कार्ड लगा दिया है उसके अंदर, और हमने इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा दिया है, राइट। और अब आएंगे फ्यूज बॉक्स पे, फ्यूज बॉक्स देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है। फ्यूज बॉक्स से आप रिलेट करेंगे पहले, तो ये फ्यूज बॉक्स आपको सामने दिख रहा है, और कभी भी उसका मैनुअल उसके पीछे रहता है, तो यहाँ पे मैनुअल देखेंगे। इग्निशन अगर देखेंगे, इसमें आपको कनेक्ट करने के लिए एक इग्निशन लगेगा, और एक लगेगा आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो ऑल टाइम का। तो यहाँ पे आप अगर F2 देखें तो एक F2 आपका ये इग्निशन पॉजिटिव हो गया, जो OBD में जाता है, और नीचे F12 देखेंगे तो F12 में आपका इग्निशन हो गया। तो इन दोनों में कनेक्ट करेंगे। अब ये तो आपको गाइड दिख गया, इसके बाद कितने एम्पियर का फ्यूज है वो कैसे लोकेट करेंगे कि उसमें F2 कौन है F12 कौन है वो लिखा नहीं रहता है, तो इसके लिए इस बॉक्स के बैक साइड में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे F12 का क्या लोकेशन है, और सेम आप यहाँ पे लोकेट करेंगे। ओके, तो अभी जैसा देख सकते हैं F12, अब मैंने बताया था कि ऊपर से ये सेंटर लोकेशन में है, तो ऊपर का सेंटर लोकेशन में मैंने इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है, और इग्निशन के लिए F12 है, तो F12 का जो लोकेशन है इसमें देखेंगे, यहाँ से नीचे से सेकेंड वो का ये है, तीन पीछे है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये ब्लू वाला कनेक्ट कर दिया है। ब्लैक की अगर बात करूँ तो ब्लैक वाला हमेशा न्यूट्रल होता है, तो जो भी बॉडी के कनेक्शन होते हैं पूरा बॉडी गाड़ी का निगेटिव होता है, तो कहीं से भी दे दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इसको खोला है, इसको स्क्रू ढीला किया और वहाँ से ब्लैक को कनेक्ट कर दिया, तो ये निगेटिव वहाँ से चला गया, और पॉजिटिव एक दे दिया, और एक दे दिया इग्निशन। ओके, इसमें अगर फ्यूज बॉक्स में देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टाटा में जो फ्यूज आता है उसी के वो स्टैंडर्ड साइज आता है, तो अपने महिंद्रा XUV में जो मैंने लगाया था वहाँ पे मुझे फ्यूज का वायर कट करके, और एग्जिस्टिंग वो फ्यूज का साइज जो था वो छोटा था, उसमें कट करके मुझे लगाना पड़ा था। बट इस केस में कैसा है कि सीधा एग्जिस्टिंग फ्यूज को निकालेंगे और इसको लगा देंगे, इसके अंदर आपका फ्यूज भी रहता है। अब जैसे देखेंगे कि ये फ्यूज है, ये फ्यूज एक है जो मैंने निकाला है, एक दूसरा ये है जो मैंने अभी निकाला है, राइट, ये 10 एम्पियर का है, और इसके साथ जो आता है ये भी इतना ही लोड का रहता है। वैसे अगर इसके साथ देखेंगे ये जो फ्यूज वायर में कनेक्टेड है वो सेम फ्यूज आता है, राइट, और तो हमने वो एग्जिस्टिंग फ्यूज निकाला और उसके अंदर सीधा इसको प्लग कर दिया बस। तो जैसे मैं एक प्लग करके दिखाता हूँ, इसमें कुछ नहीं, उसको मैं निकाल लूँगा और ये लगा दूँगा, बस इतना ही काम करना है कनेक्शन के लिए। ओके, तो ये भी कनेक्शन हो गया, ये भी हो गया, और निगेटिव ऑलरेडी है। अब आइए मैं इसका जो जो हमने खोला है असेंबली को वो सबको पहले लॉक कर देता हूँ, और उसके बाद टेस्ट करके दिखाता हूँ। पूरे वायर को हम लोग जैसे आप देख सकते हैं आगे से मैंने अंडर मैट ला करके, और इसके बाद यहाँ से पीछे की ओर लेके जाएंगे रिवर्स कैमरा के लिए। ओके, तो इसमें कुछ नहीं, ये नेक्सॉन में एक बड़ी अच्छी चीज़ दी रहती है। अभी देखिए इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ से पुश करेंगे, पीछे का सीट है ये, और ये देखिए खजाना आपके सामने हाजिर, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे लेमिनेशन भी किया हुआ है एक्चुअली, तो लेमिनेशन के अंदर से अंदर वायर पास करेंगे और ऊपर तक ले जाके कैमरा को अपन, तो यहाँ पे अपन कैमरा को चिपका देंगे। ओके, सो करते हैं। तो गाइस आप जैसा देख सकते हैं ये बैक साइड है रियर, जहाँ पे अभी हम लोग कैमरा बिठा रहे हैं रियर कैमरा, और अंदर अंदर से हमने तार पास कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं,
और इसमें अच्छा ये है कि इसके अंदर अंदर से पूरा आ गया और अंदर पास कर दिया हमने, और यहाँ पे वायर आया हुआ है। वायर आने के बाद इसको मैंने अंदर से यहाँ से क्रॉस कर दिया है। ये देखिए, ये यहाँ से निकल गया। तो ये आपका सेल्फ का है, सेल्फ का जो होल्डर रहता है, सेल्फ होल्डर के अंदर से वायर आ जाता है। वायर आगे निकल गई है और अब पीछे खाली बस बिठाने का रह गया। अगर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर का फीचर भी इनेबल करना है तो सिर्फ ये वाला जो रेड वाला वायर है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। रिवर्स पार्किंग का जो लाइट रहता है, रिवर्स पार्किंग लाइट जो रहती है यहाँ पे, तो ये वाला रिवर्स पार्किंग लाइट रहती है, तो इससे कनेक्शन खाली उसका करना पड़ता है। अगर चाहिए रिवर्स पार्किंग फैसिलिटी तो, अगर आपके गाड़ी में ऑलरेडी है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, अभी हम लोग नेक्सॉन में हम लोगों ने एडास फिट कर दिया है और अभी हार्डवेयर से चलिए आते हैं सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, हार्मन के का साउंड सिस्टम इसके अंदर रहता है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे कार्ड भी लगाया हुआ है और सिम कार्ड भी और मेमोरी कार्ड भी। तो यहाँ पे दिखा रहा है कार्ड हमारा पहले से ये है, तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। कन्फर्म कर देता हूँ। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पहले से, तो ये सब अपन इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे DVR का ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे इसके कंफर्म। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट SD कार्ड का ऑप्शन है, तो ये फॉर्मेटिंग होने लग गया। तो इसमें दो मॉडल एक्चुअली आते हैं, तो मैं जो अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया था, मैंने ही मंगवा के दिया, तो वो ये सेम वर्जन है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हैंग होने की बहुत शिकायत आती है। तो ये इसमें बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये रिकॉर्डिंग टाइम है, ये आप 1 मिनट 2 मिनट जितना देर का रिकॉर्डिंग ऑन बेस ऑफ ट्रिगर जो आपका होगा ना वो कर सकते हैं। उसके बाद कॉलिजन लॉक सेंसिटिविटी, इसमें क्या होता है ये जितना हाई रखेंगे, कुछ ऐसे सेंसिटिव रिकॉर्डिंग होते हैं जो कि आपको ऑटोमेटिक ओवरराइड फीचर इसमें होता है। तो अगर आपका मान लिया मेमोरी कार्ड फुल हो गया तो पुराना डिलीट होके उसके ऊपर से राइट हो जाता है, तो इसको हाई रखेंगे तो कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग उधर जा कर के स्टोर हो जाएगा जिसको आप ही डिलीट कर पाएंगे मैनुअली, वो सिस्टम खुद से डिलीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं इसको लो करके रखता हूँ, आप मीडियम भी रख सकते हैं, वो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एडास सेंसिटिविटी देखिए, तो एडास सेंसिटिविटी में तो हाई ही रखना चाहिए। इसमें आपको जो जितने भी एडास का अलर्ट्स वगैरह है ना कि आप ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं या लेन चेंज कर रहे हैं, ये सब चीज़ उसमें बोलता है एक्चुअली। और उसके बाद रियर कैमरा, अगर यहाँ पे फ्लिप का एक नया ऑप्शन दिया है, इसमें अगर उल्टा कैमरा लगाया है आपने तो फ्लिप भी कर सकते हैं। देखता हूँ उल्टा दिख रहा है क्या। अगर तो ये जो है ये फ्रंट कैमरा है अपना, फुल स्क्रीन में देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो बैक, वो बैक है ना, हाँ ये बैक है, और बैक उल्टा तो नहीं दिख रहा है, उल्टा नहीं दिख रहा ना। सोसाइटी का ये नीचे है और वो ऊपर है, सही है ना। मैं ब्रेक दबाता हूँ, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। ये कैमरा तो देख लिया हमने, पहले सबसे पहले सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सेटिंग कर रहे थे, सेटिंग में ये हो गया कॉलिजन लॉक सेंसिटिव, फिर एडास का, और स्पीड यूनिट कौन सा रखना है तो किलोमीटर पर आवर ही अपना रखते हैं, तो वो ठीक है, दिस इज़ फाइन। फिर बैक बटन यहाँ पे भी दिया हुआ है, बैक बटन आ गए, होम से आ गए। उसके बाद इसमें अपन दो तरह से इसका जो म्यूजिक आता है ना, जो आउटपुट आता है, तो इसके अंदर भी स्पीकर रहता है, उससे भी आप सुन सकते हैं जितने भी अलर्ट हुए, या इसके अंदर YouTube वगैरह चला रहे हैं तो YouTube का ऑडियो, या गाने चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं एप्लीकेशन इसमें कोई भी डाल सकते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये एंड्रॉयड है टोटली, तो 8.1 एंड्रॉयड का वर्जन है, तो कोई भी एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं प्ले स्टोर से जा कर के, राइट। लेकिन YouTube वगैरह सब आप देख सकते हैं। तो उसका आवाज़ चाहिए अगर इसके थ्रू तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको चाहिए कि आपके ऑडियो सिस्टम, गाड़ी के ऑडियो सिस्टम में, तो उसके लिए दो व्यवस्था है। एक इसमें फीचर है कि इसमें ब्लूटूथ से कर सकते हैं, तो ब्लूटूथ से आप पेयर कर सकते हैं उसको, इसका हॉटस्पॉट भी बना सकते हैं। आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपके गाड़ी में जितने भी लोग हैं सब लोग लोकल एरिया नेटवर्क आपका बन जाएगा, उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन जैसे हॉटस्पॉट करते हैं। लेकिन साउंड की अगर बात करें तो इसमें एक और रहता है FM, तो इसमें अगर देखेंगे
तो एक एफएम स्विच होता है। तो ये जो एफएम है, एफएम का मतलब ये नहीं कि एफएम दूसरे का पकड़ेगा, एफएम का स्टेशन, ये बेसिकली एफएम से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और आपका रेडियो उस सेम फ्रिक्वेंसी पे पकड़ेगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ सपोज़, तो अब देखेंगे यहाँ पे एफएम का फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी ऐसे क्लिक करके इसको अपन जितना भी सेट करना है, ये हम सेट कर रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको मान लिया 97.4, या चलिए मैं सेट कर देता हूँ 95 पे, कोई चैनल ना हो मतलब कौन ये करने के लिए। अब गाड़ी का साउंड सिस्टम का ये उठा लेंगे एफएम, तो हाँ एफएम में ट्यून कर दीजिए 95। ऑटोमेटिकली ये पकड़ लेगा उसको, आ गया 95 पे। अब ये 95 पे ट्रांसमिट कर रहा है, राइट। अब इसके सारे अलर्ट उसमें जाएंगे, उसके साउंड सिस्टम से। एक तो ये तरीका हुआ। अब यहाँ से अगर मैं ट्रांसमीटर ऑफ कर दूंगा तो वो वापस एफएम उसका पकड़ लिया, ठीक। ये पकड़ लिया इसका। अब मैं चाहता हूँ कभी भी एफएम का जो साउंड क्वालिटी रहता है उससे बेस्ट रहता है आपका ब्लूटूथ का, तो इसके लिए अपन ब्लूटूथ पेयर कर देते हैं। यहाँ पे दो तीन सेटिंग है, ये है आपका ऑटो डिमिंग का, ऑटो डिमिंग आपको कितने देर में चाहिए, टाइमिंग डिले वगैरह सब डाल सकते हैं। उसके बाद डे मोड, नाइट मोड, ऑटो मोड करके, तो मैं ऑटो मोड करके रखता हूँ। अभी देखिए ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से, ब्राइटनेस के हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो बट कई बार आपको लगता है कि नहीं दिन में टनल वगैरह में नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो इसको डे मोड में करेंगे फुल हो जाएगा, नहीं तो एंड्रॉयड जैसा आप आगे पीछे करके भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ओके। और यहाँ पे ब्लूटूथ ऐसे जैसे एंड्रॉयड में है उसी दबा के रखेंगे, अपन इसको पेयर कर लेंगे। अभी इसमें एक ही काम आपको करना है कि आप जीमेल वगैरह से आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए, प्ले स्टोर का हुआ, आपका यूट्यूब वगैरह हो जाएगा, और जितने भी चीज़ें हैं गूगल मैप्स वगैरह सब चालू हो जाएंगे सर्विसेस। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिर उसके बाद ये है, सिम आपने ऑलरेडी लगा रखा है तो आप ये कार कीपर करके एक ऐप आता है, वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में। तो अभी ये आईफोन में भी ये ऐप अवेलेबल है आईफोन में भी, तो अभी ये कार कीपर ऐप डाउनलोड करेंगे और इससे पेयर करेंगे। इसमें इसके बाद अभी सिम लगाया हुआ है तो यहाँ पे 4G इनेबल करना पड़ेगा, 4G स्टेटस आपको यहाँ पे दिख सकता है कनेक्टेड है, राइट। तो ये नेटवर्क में है और यहाँ से डेटा इनेबल जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन में जैसे करते हैं, उसे वाईफाई के थ्रू करना है तो वाईफाई से ये कनेक्ट भी कर सकते हैं और वाईफाई हॉटस्पॉट इसका बना भी सकते हैं, तो मल्टीपर्पज़ है, ओके। और यहाँ पे अगर मान लिया ड्राइविंग करते टाइम पे ये वाला जो लाइनिंग है ये गाइड है, एक्चुअली गाइड नहीं चाहिए तो इसको दबा देंगे, ये हट जाएगा। तो वो डिस्टेंस भी ऐसे भी डिस्टेंस बताता है कि अगली गाड़ी कितना डिस्टेंस पे है। ये आप लाल जल रहा है, लाल करने का मतलब, रेड का मतलब ये हुआ कि आपका रिकॉर्डिंग चालू है ऑलरेडी, ओके। अब कॉन्फिगर कर लेने के बाद ऐप को अपन यहाँ पे बाइंड डिवाइस करेंगे, बाइंड डिवाइस, हाँ अलाउ कर दीजिए, हाँ। अब यहाँ पे इसके अंदर एक वो आएगा, QR आएगा, वो QR कोड से स्कैन करना है सिंपली, कभी डन। अब आपका कॉन्फ़िगर हो गया है, ये आ गया, वही कॉन्फ़िगर हो गया। अभी आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में इसको दबा के आप लाइव देख सकते हैं और अलर्ट भी आएगा, इसको वाइल यूजिंग करके डाल दीजिए, ये आपका लाइव है, ये आपका लाइव व्यू है, इसका लाइव फीड आ रहा है। रिवर्स कैमरा देखना है तो यहाँ पे ये दबाएंगे, ये फुल स्क्रीन हो गया, ये दबा दिया आपने, ये रिवर्स का आ गया। ट्रिगर बेस पे भी आएगा, इसको वापस जाइए एग्जिट करिए इसे, हाँ। तो ये तो हुआ लाइव फीड आपको देखने के लिए इस एप्लीकेशन में। इसके बाद अगर आपको मान लिया किसी टाइम पे चाहिए कि सर्विसिंग के लिए दिया है, आपने रिकॉर्ड करना है, स्पेशली रिकॉर्ड का ऑप्शन रिमोटली देना है तो रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ से दे सकते हैं, रिकॉर्ड होके ऑटोमेटिकली जैसे ये रिकॉर्ड किया, कौन सा कैमरा फ्रंट या बैक ऑप्शन पूछता है तो फ्रंट से रिकॉर्डिंग का दे दिया, वो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट होके यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। और फोटो भी इसी तरह से अगर आपको खींचना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो खींच करके आपको आ जाएगा। अभी ये खींच के, हाँ, तो हम जैसे स्नैपशॉट करेंगे, स्नैपशॉट में अगेन वही चीज़ है कि फ्रंट बैक कौन सा कैमरा से स्नैपशॉट चाहिए वो भी पूछता है, मान लिया मैंने बैक का दे दिया, तो प्लीज़ वेट करके यहाँ पे कमांड एक फाइल आ भी गया, राइट। अब इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए वीडियो बन के आ गया आपके पास लोकल फ़ोन में, ठीक।
और फोटोज़ में फ़ोटो अपने बैग का दिया था तो बैग का फ़ोटो भी आ गया। तो इस तरह से ये रिमोटली कर सकते हैं। और आप जब आपका जो इवेंट आएगा ऑटो ट्रिगर इन केस ऑफ कार के आजू बाजू कुछ भी एक्टिविटी होती तो वो भी यहाँ पे ही आएगा, वो पॉपअप आता है, अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन, उसका कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला अपन गूगल जीमेल अकाउंट से खाली इसको कॉन्फिगर करेंगे बस काम। आज मैं आपको तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो गया है इंस्टॉलेशन और ये अपना ही चैनल चल रहा है इसके ऊपर। नेक्सॉन में मैं हूँ अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। राइट, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और ये अपना ही चैनल आपको इधर दिख रहा है। राइट, बैक का जगह देखो, टच करेंगे बैक का दिखेगा। वाह, तो गाइस इस तरह से इंस्टॉलेशन हो चुका है नेक्सॉन में। तो नेक्सॉन में हमने स्मार्ट बना दिया है एडास डैश कैम लगा करके। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपकी कुछ ना कुछ यूजफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।